बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत पैटर्न लेके आई हूँ जिसमें मैं हुक इस्तेमाल करूँगी 2.5 mm की और वूल इस्तेमाल करूँगी 3-ply की। आइए तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले रिंग बनाऊँगी। रिंग तैयार हो गई है। इस पे हम बनाएंगे 2 chain। सिक्सटीन हाफ क्रोशे लगाऊंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ साथ पैटर्न बनाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो जाती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए, हमारी बेस खूबसूरत से खूबसूरत तैयार हो रही है। काउंटिंग करके फिर जोड़ना सिखाऊंगी आपको। ये देखिए, फॉर 15 मैंने हाफ क्रोशे लगाए हैं। अब जो ये मैंने 2 chain बनाई थी, इसकी टॉप पे जोड़ूंगी। ये देखिए, हमारे पास 16 हाफ क्रोशे तैयार हो गए हैं। 1, 2, 3 chain, 3 chain, 1, 2 chain, 1 crochet छोड़ेंगे, 2 में लगाएंगे। वन टू छ, 1 छोड़ के 2 में लगाएंगे। 1, 2 chain, 1, 2 chain, 1 round कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, इसके 3 round रिपीट थे, ये मैंने बना लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पे 2 chain, 4 chain, 6 chain। अब यहाँ नया पैटर्न शुरू हो रहा है, वो आपको सिखाऊंगी। ये 2 double crochet का हमारे साथ चलेगा। ये भी इसी तरह यहाँ पे पैटर्न बनेगा। 3 chain बनाऊंगी, 3 chain, 4 time लगाऊंगी, 3 हो गए, 4 हो गए, फिर 3 chain, 2 double crochet। ये देखिए, इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 3 chain बनाऊंगी। 1, 2, 3 chain, 2 double crochet साथ जाएंगे। 3 chain, 4 के ऊपर 4 ही लगाऊंगी, लेकिन 2-2 का सेक्शन बनाऊंगी। ये देखिए, ये दोनों एक साथ बंद करती है, यहाँ 5 chain बनेगी। 2, 3, 4,
5 सेंट। दोनों को एक साथ बंद करती हूँ, ये देखिए ऐसे 1, 2, 3 चेन। राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने आपको ये राउंड बनाना सिखाया था, ये वाला राउंड, और इसके ऊपर 5 चेन 6 डबल क्रोशे, 5 चेन 2 डबल क्रोशे। इसी तरह अभी आपको बनाना बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 चेन। सिक्स डबल क्रोशे लगाऊंगी, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 एंड 5 6। देखिए 6 डबल क्रोशे लगा लिए मैंने। आगे फिर 5 चेन बनेंगी, 1, 2, 3, 4, 5 चेन। 5 चेन के बाद हम इसको यहाँ पे जो मैंने चेन बनाई थी 3 चेन के टॉप पे जोड़ दूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। ये देखिए सिंपल राउंड था, मैंने बना दिया, आपको सिखा भी दिया। ये देखिए नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। 2 चेन हो गई, 3 यहाँ पे मैंने 5 चेन लगाई थी, अब मैं 4 चेन लगाऊंगी, 1, 2, 3, 4। 4 चेन के बाद 3 डबल क्रोशे, नीचे 6 लगे थे, सेंटर में 3 चेन बनाऊंगी। ये देखिए 3 चेन, पैटर्न दूसरी शक्ल इख्तियार कर रहा है, ये देखिए इस तरह। फिर 4 चेन, 1, 2, 3, 4। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी मैं। ये देखिए इसी तरह बनेगा सारा। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। 3 डबल क्रोशे लगाए हैं और सेंटर में 3 चेन बनाई हैं। ये साइडों पे 4 चेन बनी हुई थी। अब देखिए यहाँ से न्यू राउंड शुरू हो गया। यहाँ मैंने जोड़ दिया था, फिर 3 चेन बनाई, सिंगल क्रोशे लगाया, ये 2 डबल क्रोशे हो गए, यहाँ पे 3 चेन बनाई हैं, 3 डबल क्रोशे लगाए हैं। थ्री चेन बनाऊंगी, 3 चेन, ये 3 चेन थी, सेंटर में लगा रही हूँ 3 चेन, 3 डबल क्रोशे। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये पैटर्न अपनी इस साइड पे जा रहा है, ये इस साइड पे, यहाँ पे न्यू पैटर्न शुरू होगा। यहाँ मेरा राउंड पूरा हो गया है। अब मैं आपको यहाँ लगा के दिखाती हूँ। 2 डबल क्रोशे ये मेंटेन रहेंगे। यहाँ पे 3 चेन लगाई थी, फिर 3 चेन ही लगाएंगे, ये 3 डबल क्रोशे ये भी मेंटेन रहेंगे। ये पैटर्न की बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन पे ये रहेंगे। यहाँ पे 3 चेन बनेंगी, 3 चेन, और यहाँ पे 6 डबल क्रोशे लगेंगे, 1, 2, 3, 4
फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स के बाद थ्री चेन थ्री चेन थ्री डबल क्रोशे मेंटेन रहेंगे। ये देखिए इस तरह पूरा राउंड बनेगा। ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे फिर मैंने बनाए हैं डबल क्रोशे के बराबर, ये डबल क्रोशे बन गए, थ्री चेन थ्री डबल क्रोशे टू हो गए और ये थ्री हो गए। यहाँ पे भी थ्री चेन मेंटेन रहेंगी, थ्री चेन थ्री डबल क्रोशे थ्री डबल क्रोशे हो गए, थ्री चेन थ्री डबल क्रोशे लगाती हूँ। नया पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके सेंटर में बनेगा नया पैटर्न और ये साइडों पे थ्री डबल क्रोशे की बाउंड्रियाँ बनती हैं। ये देखिए सेम है, रिपीट है। आपको इसलिए तसल्ली से बता रही हूँ कि ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए जैसे यहाँ बने थे सिक्स, यहाँ थ्री 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 चैन, इसी तरह यहाँ बने सिक्स थ्री 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 चैन। ये पूरा सारा जितना भी है थ्री चैन का बन रहा है, ये थ्री चैन इसी तरह सेंटर में फिर थ्री चैन। राउंड पूरा करके दिखाती हूँ, सेम यही चीज़ बनेगी सब पे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। वन चेन के साथ यहाँ जोड़ूंगी, इस साइड पे भी वन चेन बनाई थी, बाकी सारा थ्री थ्री चेन का है। ये जो पैटर्न बंद हो रहा है इसकी वन वन चेन बनी है। ये देखिए यहाँ जोड़ लूँगी, ये जो मैंने फोर चेन थ्री चेन बनाई थी इसके एंड पे, ये देखें टॉप पे जोड़ी है यहाँ पे। ये हमारा पैटर्न राउंड कंप्लीट हो गया है। वन चेन करूँगी और ये जो गैप है इसमें लगा दूँगी। ये देखिए यहाँ ये चेन बन गई, मैं इसके थ्री क्रोशे पे आ गई हूँ। ठीक है, अभी मैं लगाऊँगी थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, ये जो टू क्रोशे हैं इसको टू ही बनाऊँगी। ये देखिए वन टू और एक क्रोशे इसका, ये देखिए ये फोर क्रोशे हो गए, इनको एक साथ बंद करूँगी। ये देखिए यहाँ ये बंद हो गए हैं, इस तरह यहाँ पे टू आ जाएंगे। ये देखिए ये सेंटर के फोर मैंने एक साथ बंद कर दिए हैं। ये देखिए ये पैटर्न बंद हो रहा है, इस पैटर्न को नेक्स्ट राउंड में ये पैटर्न फुल बंद हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे टू लगाए इसी तरह यहाँ भी टू लगेंगे, थ्री चेन यहाँ मेंटेन रहेंगे, वन टू थ्री चेन, ये भी थ्री डबल क्रोशे। ये देखिए यहाँ पे थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री चेन, इसके सेंटर में लगाएंगे। यहाँ पे नया पैटर्न बनेगा, टू चेन वन डबल क्रोशे, वन टू चेन, ये थ्री हो गए, टू चेन
ये देखिए, ये हो गए 4। फिर यहाँ पे 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 चैन। ये जो 3 डबल क्रोशे की बाउंड्री जा रही है, ये इसी तरह मेंटेन रहेगी, सेंटर में इसके मैं पैटर्न बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे आपको सही समझ आएगा, ये अभी दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 चैन वो इसके लिए है, ये देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से बंद नहीं करूँगी, लगाती जाऊँगी। ये देखिए इनको एक साथ बंद करूँगी। ये देखिए, ये सेंटर वाला पार्ट मैंने बंद कर दिया है, ये साइडों पे 2 डबल क्रोशे मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट राउंड में इनको भी बंद कर दूँगी। ये देखिए, ये पैटर्न अब इस तरह बनेगा। ये देखिए इस तरह ये बंद हो रहा है, ये नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फिर यही डबल क्रोशे बनेंगे 3 चैन के साथ। इसमें चैन नहीं बनेगी। ये देखिए यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हो गया है। 3 चैन मेंटेन रहेंगी, 3 डबल क्रोशे, ये बाउंड्रियाँ बन रही हैं। थ्री चैन, 1 डबल क्रोशे, 3 चैन, 3 चैन। इसी तरह सारा रिपीट होता जाएगा और इसी तरह बनते जाएंगे। ये आपको यहाँ तक पहुँचा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 5 क्रोश लगाए हैं, सॉरी 8 क्रोश लगे हैं। नेक्स्ट राउंड में मैं आपको बताऊँगी इसको बंद करना। अब पैटर्न इसी तरह सारा रिपीट हो रहा है जैसे ये हुआ था, इसी तरह ये अब रिपीट हो रहा है। मैं ये पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। सेंटर में हमने 1 डबल क्रोशे लगाया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशे, 3 चैन। यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशे लगाए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जोड़ा है, ये देखिए 3 चैन थी, इसके टॉप पे जोड़ा है। अब इसको थोड़ा सा लूज़ करूँगी और इस क्रोशे पर आ जाऊँगी। ये देखा आपने, ऐसे ये यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊँगी। 1 चैन मौजूद है, 2 3 चैन, 3 चैन के बाद ये देखिए इनको एक साथ बंद करूंगी। इनको 4 करना है मैंने। ये देखिए एक सामने वाले से मिल गया। अब आपको समझाती हूँ। ये देखिए इस क्रोशे से ऊपर चैन गई, 1 2 3 4, 4 को एक साथ बंद करूंगी। ये देखिए ये 4 एक साथ बंद हो गए। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे लगेंगे, ये देखिए 2 डबल क्रोशे इधर लग गए, 2 डबल क्रोशे यहाँ लगेंगे। सेंटर में ये 1 क्रोशे काउंट होगा। ये देखिए टोटल 5 हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं पैटर्न के। 1 2 3, 3 चैन के साथ 3 डबल क्रोशे,
फिर थ्री चेन। इसमें बहुत ज़्यादा थ्री चेन, थ्री डबल क्रोशे इस्तेमाल हुए हैं। ये देखिए थ्री चेन, ये सॉरी टू चेन के साथ यहाँ पे छोटा सा पैटर्न बनाऊंगी। वन डबल क्रोशे, टू चेन, टू चेन। ये हमारे पास फोर डबल क्रोशे टू चेन के साथ, ये देखिए थ्री गैप बन गए हैं। अब फिर मैं थ्री चेन करूँगी यहाँ पे, वन टू थ्री चेन। ये देखिए पूरा समझा रही हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये देखिए वन टू थ्री चेन। ये देखिए इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ, ये जो बंद होने वाला सीन है ये भी आपको आ जाए। ये देखिए ये टू डबल क्रोशे हो गए, यहाँ से वन, इसको बंद नहीं करूँगी। ये देखिए टू, इसको भी बंद नहीं करूँगी। ये हो गए थ्री, यहाँ से फोर, ये फोर मैंने ले लिए, इनको एक साथ बंद करूँगी। ये देखिए इस तरह टू यहाँ हो गए, फोर बंद कर दिए। ये देखिए ये बंद हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे टू और लगेंगे, ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है ये वाला, और यहाँ पे ये बन रहा है न्यू पैटर्न। इसी तरह राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नासरी, राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फोर, थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन, ये फोर डबल क्रोशे लगाए हैं टू चेन के साथ। अब यहाँ से ये पैटर्न फुल बंद हो जाएगा और यहाँ पे न्यू पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। आइए तो बनाते हैं मिलके। मैं सेंटर में हूँ, यहाँ पे बनाऊँगी थ्री चेन। ये देखिए थ्री चेन के बाद ये मैंने थ्री लगाए, एक साथ बंद कर दिए। इस तरफ टू लगेंगे, इसके साथ ही बंद हो जाएंगे। यहाँ पे फिर बनाएंगे वन टू थ्री चेन, इसको फोर चेन करेंगे। ये थ्री डबल क्रोशे जो हैं ये मेंटेन रहेंगे, इनको भी जाके ऊपर बंद होना है। ये देखिए इन दोनों साइडों से ये आ रहे हैं, ये भी बंद होंगे ऊपर, और यहाँ पे न्यू पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। यहाँ थ्री चेन मेंटेन रहेंगी, थ्री चेन, इसके ऊपर एक लगाऊंगी। ये देखिए थ्री इसके अंदर लगेंगे, ये न्यू पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए वन इसके ऊपर लगा, थ्री इसमें लगाए हैं, वन एक और लगाऊंगी, ये फोर हो जाएंगे। सेंटर में फोर लगाने के बाद इसके ऊपर एक लगाएंगे, ये टोटल सिक्स हो गए। ये सिक्स हो गए, यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री चेन। फोर डबल क्रोशे सेंटर में, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनने वाला है। थ्री हो गए, फोर हो गए, ये देखिए इसके ऊपर लगा रही हूँ। थ्री चेन यहाँ मेंटेन रहेंगी, थ्री डबल क्रोशे मेंटेन रहेंगे,
1, 2, 3, 4 चैन, यहाँ तक 3 में आया है। अब 4 चैन लगा रहे हैं कि ये पैटर्न बंद हो रहा है। ये देखिए, ये सब पे मैंने लगा लिए हैं। अभी गिनती करके बताऊंगी कि ये कितने हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 बने हैं। 6 को एक साथ बंद करूंगी। ये देखिए, यहाँ बंद हो गए, ये पैटर्न यहाँ बंद हो गया है। ये भी इसी तरह बंद हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने 4 चेन बनाई थी, यहाँ भी 4 बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4 चैन, बाकी सारा उसी तरह बनेगा। ये देखिए, अब आपको मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये सारा आपको दिखा के बनाया है। राउंड पूरा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने 6 लगाए हैं, 4 सेंटर में, 1, 1 साइडों पे, 3 चैन के साथ, 3 चैन 3 चैन। अब यहाँ से यहाँ टर्न होके इस पर नया पैटर्न बनाऊंगी, आपको सिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा राउंड ख़त्म हो गया है। स्लिप स्टिच की मदद से मैं सामने चली जाऊँगी। ये देखिए, यहाँ 1, 2, 3 चैन, ये पैटर्न इसी तरह बनेगा। 3 डबल क्रोशे मेंटेन रहेगा। ये देखिए, 3 चैन, 1, 1 चैन, 1 चेन के साथ 6 लगाऊंगी। ये देखिए, 1 चेन के साथ 6 लगा लिए। 3 चेन बनाऊंगी सेंटर में, 1, 2, 3, 1 क्रोशे लगाऊंगी यहाँ पे, 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चैन, इसी तरह का इस पर भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 1 चैन के साथ 6 डबल क्रोशे लगाए हैं, 2 चैन के साथ 1 डबल क्रोशे, फिर वही रिपीट, जैसे ऐसे यहाँ बना ऐसे यहाँ बना, 3 चैन, यहाँ पे 5 चैन लगा के ये सामने आ गई हूँ। अब यही राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, राउंड कंप्लीट हो गया है। ये सारा रिपीट था। यहाँ पे मैंने ये जाली बनाई है 1 चेन से, फिर ये एक एक यहाँ से माइनस हो गया, और यहाँ पे 5 लगे, नीचे 6 लगे थे, यहाँ 5 लगे हैं 1 चेन के साथ, और यहाँ पे 3 चेन बना के 5 चेन बनाइए, 2 डबल क्रोशे लगाए इस पर। ये सारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड बनाते हैं, यहाँ पे पैटर्न बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशे बनाए, 3 चेन, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 चेन यहाँ लगाई। अब यहाँ इसमें हम लगाएंगे 6 डबल क्रोशे, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डबल क्रोशे लग गए हैं। ये देखिए,
1 2 3 4 5 6 सिक्स लगाए हैं, यहाँ पे फिर थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ लगाएंगे, ये देखिए ऐसे। इसी तरह सारा पैटर्न कंप्लीट होगा। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, देखते जाइए। 1 चेन, 1 2 3 चेन, थ्री डबल क्रोशिया लगेंगे, सेंटर में 5 चेन बनती हैं। फिर ये सारा यही रिपीट होता जाएगा। राउंड पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, मेरा राउंड यहाँ पे पूरा हो गया था। यहाँ से फिर वही 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं और 1 चेन के साथ। यहाँ 4 चेन लगा के इस पे आ गई हूँ। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न शुरू करती हूँ। यहाँ पे 4 करने हैं मुझे, यहाँ पे 1 बढ़ा दिया, ये देखिए। ये 4 हो गए, यहाँ करूँगी 3 चेन, 1 2 3 चेन, नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है ऊपर। सेंटर में मैंने 2 लगाए हैं, साइडों पे 1 1 लगाया है, ये देखिए। बाकी सारा रिपीट है, उसी तरह जा रहा है 3 3 चेन के साथ। यहाँ से 3 चेन के साथ शुरू हुआ, यहाँ तक 3 चेन, यहाँ चेनें बढ़ रही हैं, ये देखिए 3 चेन 4 चेन 4 चेन। अब 4 चेन के साथ ही ऊपर तक जाएगा, यहाँ पे भी 4 चेन बनेंगी, 3 4 चेन। ये पैटर्न ऊपर से कम हो रहा है 1 चेन के साथ, जाली वाला पैटर्न बन रहा है ये, ये देखिए। यहाँ पे 3 चेन करने के बाद 3 डबल क्रोशिया 5 चेन, फिर यहाँ टर्न कर जाऊँगी। राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें टोटली ये चेंजिंग आई थी, 3 चेन 1 डबल क्रोशिया 3 चेन 1 डबल क्रोशिया 3 चेन के साथ। यहाँ ये पैटर्न उसी तरह बना, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, साइडों वाली चेनें उसी तरह रहीं। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया लगा, साइड पे 3 चेन, इस साइड पे 3 चेन। अब मैं बंद करने वाला राउंड शुरू करती हूँ, उसके बाद सेकंड लास्ट राउंड है ये। 3 चेन बनी हुई है, ये देखिए। ये 3 बन गए जैसे पहले बन रहे थे, 1 2 3 चेन वही मेंटेन रहेंगी, 3 चेन, ये देखिए 1 2 3। ये देखिए ये लीव यहाँ पूरा हो गया है, जाली वाला पैटर्न है, बहुत खूबसूरत बनता है। ये देखिए ये पैटर्न बंद होगा, लिहाजा हमें यहाँ 5 चेन बनानी है, 3 4 5 चेन, 5 चेन के साथ 4 डबल क्रोशिया लगाएंगे, एक साथ बंद करेंगे, यहाँ पे ये लीव तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया है यहाँ पे, यहाँ फिर लगेंगी 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन। ये लीव यहाँ इस तरह कंप्लीट हुआ, ये लीव यहाँ हुआ जाली का, और ये पैटर्न साथ जा रहा है। देखिए ये देखिए 3 चेन मैंने बना ली हैं, यहाँ पे लगाएंगे,
टू डबल क्रोशे, ये देखिए एक साथ बंद हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 चेन, इसमें 2 लगेंगे, ये सेंटर पार्ट है। ये देखिए इस तरह बनते जाएंगे 1 2 3 चेन। ये देखिए ये सेंटर पार्ट है, इसके ऊपर लेस बनेगी 1 3 चेन, 3 चेन बनेगी, फिर ये पैटर्न बंद होगा। ये देखिए 4 डबल क्रोशे एक साथ बंद कर दिए, ये देखें ये सेंटर पार्ट के साथ यहाँ तक आ गया है। ये देखिए यहाँ 5 चेन लगाएंगे 2 3 4 5, 5 चेन के साथ इसके सेंटर में चले जाएंगे। ये लीफ कंप्लीट हो गया, ये जो जाली वाला लीफ है यहाँ पे 3 चेन के साथ 3 मेंटेन रहेंगे डबल क्रोशे 1 2 3 चेन। ये देखिए ये सारा इसी तरह बनेगा, पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, मैंने फाइनल लेस बना ली है यहाँ तक, इससे आगे यहाँ तक आपको बनाना सिखाऊंगी, फिर हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, पैटर्न हमारा कंप्लीट है 1 2 3 चेन। इसी तरह मैंने सारा राउंड बनाया है इसका, 3 चेन की मैंने मोती बनाया है। ये देखिए ऐसे 1 2 3 चेन, 2 हाफ क्रोशे लगाए, ये देखिए 2 हाफ क्रोशे 1 2 3 चेन। ये देखिए यहाँ से टर्न किया, आगे चली गई 1 2 3 चेन। पूरे पैटर्न पे मैंने इसी तरह बनाया है, ये देखिए यहाँ पे बनाऊंगी हाफ क्रोशे 1 2 3 चेन। हाफ क्रोशे लगाती हूँ फिर इसको, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है सारा पैटर्न। राउंड बाय राउंड आपको बनाना सिखाया, यहाँ तक लेस बनानी सिखाई 2 हाफ क्रोशे 3 चेन और इसके सेंटर में जोड़ते गए, इस तरह ये सारे कंप्लीट हुए। इनकी पत्तियों पे ये इसी तरह आ गए, सारा राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, मैं आपको बड़ी टेबल पर रख के दिखाऊंगी, पूरा पैटर्न बेहतरीन तैयार हुआ है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है, बहुत ज़बरदस्त बना है, आप भी बनाइए। ये देखिए हर मोती, हर चेन, हर क्रोशे आपको वाज़े नज़र आएगा और बहुत ज़बरदस्त लगेगा।